हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी आई क्यू अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं 18 जुलाई से 31 अगस्त तक। बड़ी अपडेट है दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। 8वीं 10वीं 12वीं पास वाले जितने भी विद्यार्थी है वो सभी आवेदन कर पाएंगे इजीली। और कैसे करना है आवेदन, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, पूरी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, आज ही आवेदन कीजिएगा इसका, जितने भी हो सके जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिएगा। तो चलिए वेबसाइट देखते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल में जाना है। गूगल में आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है ऑल डेट सीट डॉट इन। यह आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो सर्चिंग करना है, यह करना है ऑल डेट सीट डॉट इन। यह सर्च करते आप इसे क्या कर दो, सर्चिंग कर दो। ये करते आपको यहाँ पर एक वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलते आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, देख पा रहे होंगे ऐसा लोगो मिल जाएगा वहाँ पर ओल्ड डेट सीट डॉट इन के नाम से। आपको थोड़ा नीचे चलना होगा, आप थोड़ा नीचे चलोगे तो आपको आर्मी के नाम से वैकेंसी मिलेगी। दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पर, ये नीचे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा नीचे आने के बाद आर्मी रिक्वायरमेंट रैली 2020 ऑनलाइन फॉरम अप्लाई राजस्थान। तो दोस्तों, आर्मी रैली 2020 राजस्थान में नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा आप। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी है। ये अभी हाल ही में अपडेट हुआ है दोस्तों, हेमराज मीना के नाम से 18 जुलाई 2020 को अभी अपडेट किया है इन्होंने। पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। आर्मी रैली रिक्वायरमेंट सारा देखिएगा यहाँ पर। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी है रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो सभी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक, 18 जुलाई से 31 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट क्या होगी, ये सारी जानकारी भी आपको बताऊँगा। कितने पास होंगे यहाँ पर, जो विद्यार्थी इनमें से आवेदन करना चाहते हैं वह 8वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास या 12वीं पास, इन तीनों में से कोई भी आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। इसकी सारी जानकारी यहाँ पर आपको नीचे दे रखी, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और अन्य जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जिसे आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आपको लिंक भी बताऊँगा जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो, और मैं आपको भी बताऊँगा ये सारी जानकारी। दोस्तों, ये आपको मैं बताऊंगा, पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते पहले यहाँ पर ये जानकारी आपको बता देता हूँ। फिजिकल के लिए ये देखिएगा दोस्तों, आपको क्या चाहिए, सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है और आपको क्या क्या ले जाना है। जब रिक्वायरमेंट आप यानी कि आप रैली में जाओगे तो आपको क्या क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड, 20 रंगीन फोटो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, रीजनल सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल का, उसके अलावा अनमेरिड सर्टिफिकेट यानी कि यदि आपकी शादी नहीं हो रही हो तो शादी हो रही हो तो मेरिड सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट हो तो एनसीसी सर्टिफिकेट, खेल कूद सर्टिफिकेट, एफिडेविट सर्टिफिकेट 10 रुपये का आएगा फॉर्मेट सी में, मैं बताऊंगा फॉर्मेट सी कैसा होता है, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा ले जाना है आपको। साथ ही आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया, आपको मोबाइल नहीं ले जाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं ले जानी है या इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाना है, चाकू वगैरह ऐसे जो कि जिससे वार किया जा सके वो नहीं ले जाने हैं यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये जैसे डाउनलोड करोगे यहाँ पर क्लिक करते डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं दोस्तों डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। तो दोस्तों, मैंने डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन। तो जो कैंडिडेट है अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, ये सभी विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 2020-21 आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस कोटा, ये वैकेंसी निकली है दोस्तों। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कब से कब तक कर सकते हो, 18 जुलाई 2020 टू 31 अगस्त 2020 फॉर SOL GD SOL टीच SOL क्लर्क SKT एंड SOL TDN। तो यहाँ पर सभी 10वीं 12वीं वाले जो है वो आवेदन कर सकते हैं। चलिए आपको बताता हूँ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यहाँ पर जो है साफ साफ बता रखा है जो कि आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कर सकते हो 18 जुलाई से 31 जुलाई तक। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी ईमेल आईडी में आ जाएगा 15 दिन पहले। किससे पहले, रैली से 15 दिन पहले आ जाएगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, एज क्या होनी चाहिए, 17.5 साल से 21 साल तक का जो विद्यार्थी है वो सोल्जर के लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। बड़ी अपडेट, हाइट जिसकी 170 होनी चाहिए, वेट 50 किलो का होना चाहिए, चेस्ट 77 होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए यानी कि 82 होना चाहिए, और 10वीं पास होना चाहिए, एग्रीगेट 45% मार्क्स और इस सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, उसके अलावा सोल्जर टेक्निकल सोल्जर यानी कि
जो टीच वाले हैं उनके लिए 17.5 से 23 वर्ष तक वाले जो फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 तक के विद्यार्थी सेम हाइट सेम वेट और सेम चेस्ट होगा और 12वीं पास होंगे परेश में। इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल इनके लिए दोस्तों मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 12वीं पास होना चाहिए और आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले साइंस वाले सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो हाइट होनी चाहिए वो 162 होनी चाहिए यानी कि इसमें 8 सेंटीमीटर कम होगा तो चलेगा। एक्सपेंशन और वेट वही चलेगा। सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास के लिए यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी है। इसमें वाशरमैन सभी के लिए ड्रेसर स्पोर्ट स्टाफ सारी वैकेंसी है तो 17.5 से 23 वर्ष वाला इसमें फॉर्म भर सकता है। इसमें जो हाइट 170 सेंटीमीटर वेट 2 किलो कम कर दिया गया है और वैकेंसी के रिलेटेड 48 किलो और इसमें जो चेस्ट है वो भी कम है। डाउनट पर होगा अब आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th नीट आईआईटी जेई मेंस एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउनट ऐप। 76 होगा तो चलेगा और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना है। 10वीं पास वाले विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एग्रीगेट 33% मार्क्स होने चाहिए। बात करते हैं दोस्तों सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं पास हाउस कीपर मेस कीपर की यहाँ पर वैकेंसी है। 17.5 से 23 वर्ष तक के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 170 इसकी हाइट होनी चाहिए, 48 किलो का वजन होना चाहिए, 76 चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी कि फुलाने के बाद होना चाहिए। क्लास 8वीं पास होना चाहिए। ओके, नो सिचुएशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर मिनिमम 30%। दोस्तों जो दोनों वैकेंसी है दोस्तों ऊपर वाली सॉरी दोस्तों यहाँ पर दोनों जो वैकेंसी है इनमें आपकी 33% यदि मार्क नहीं है तब भी चलेगा पर आपकी जो परसेंटेज है वह 33% मिनिमम होनी चाहिए यानी कि मिनिमम में ही पास होते हैं आजकल आपको पता होगा। और आगे जो आपको यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए कुछ बताया रखा है तो यहाँ पर जो ट्रिबल एरिया है हाइट चेस्ट वेट ये सारा आप देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको। फिजिकल टेस्ट एट रैली साइट यानी कि जो आपको जो फिजिकल टेस्ट है वो रैली साइट में क्या क्या करवाए जाएंगे वो आपको बता देता हूँ। तो 1600 मीटर की आपकी क्या होगी रेस होगी यानी कि 1.6 किलोमीटर की ये रेस होगी। ग्रुप वन अप टू 5 मिनट 30 सेकेंड यानी कि आपको 60% मार्क्स मिलेंगे। यदि आप ग्रुप सेकंड 5 मिनट 31 सेकंड टू 5 मिनट 45 सेकंड में करते हो इस रेस को तो 48 मार्क्स मिलेंगे आपको। पुल अप्स यानी कि 10 लगाओगे तो आपको 40 मिलेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 10 पुल अप्स लगाएंगे तो 40%, 9 लगाएंगे 33, 8 लगाएंगे 27, 7 लगाएंगे 21 नंबर, 6 लगाएंगे 16 नंबर। तो इस प्रकार आपको नंबर दिए जाएंगे दोस्तों और आपको यहाँ पर बताया गया रिमार्क्स। तो रिमार्क क्या है दोस्तों आपको 1.6 किलोमीटर जो है यहाँ पर कितने क्या करना है सारी देखिएगा दोस्तों सारा दे रखा है। 30 सेकंड ऑल टाइमिंग तो यहाँ पर सारा है ठीक है। तो आपको और भी क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। मेडिकल टेस्ट में आपको एज पर लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड्स एट रैली साइट तो वहाँ पर ही आपकी होगी दोस्तों रैली में ही। ये सारा यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बिल्कुल सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा क्या जानकारी है आपको क्या क्या लेके जाना है दोस्तों वहाँ पर साइट में जब जाओगे तो क्या है एडमिट कार्ड लेके जाना है प्रिंट विद लेजर प्रिंटर यानी कि आपको गुड क्वालिटी में लेके जाना है। आपको दब्बा दब्बा नहीं ले जाना है वाइट पेपर में नहीं निकलवाना है रंगीन निकलवाना है। फोटोग्राफ चाहिए 20 कॉपीज यानी कि 20 फोटो चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए यानी कि 10वीं की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट वगैरह सारी यानी कि बोर्ड की जो भी आपने लगाया था उसकी मार्कशीट चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट रिलीजन सर्टिफिकेट यानी कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन क्या हो आप स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए और आपको 6 मंथ का आपको विलेज का सरपंच का या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट यानी कि आपकी शादी नहीं है तो वह चाहिए, शादी हो गई है तो वह चाहिए यानी कि आपकी यदि शादी नहीं हुई तो 6 महीने पुराना ही चलेगा दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको क्या चाहिए एफिडेविट चाहिए जो कि सी फॉर्मेट वाला चाहिए। चलिए आपको बता देता हूँ एनसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए एबीसी आपके पास कोई भी है यदि है तो।
स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यानी कि आपने लेवल जो कर रखा है इंडिया लेवल में, स्टेट लेवल में जो भी वो चलेगा। एफिडेविट आपको लगाना है 10 रुपये का नॉन ज्यूडिकल स्टाम्प पेपर पर। स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं, वो क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये सारा आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों यहां पर हिंदी में भी है, आप देख सकते हो जो भी विद्यार्थी चाहते हैं। ये एफिडेविट सी है दोस्तों, ये सारा आपको प्रिंट आउट करवाना है और इस पर आपको साइन करवा लेना है। परमानेंट एड्रेस वगैरह सारा 10 रुपये का आएगा ही मात्र, तो ये प्रिंट करवा लेना 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में, ठीक है। इसके बाद आपको जो इंस्ट्रक्शन है क्या दे रखा है वो आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हो। विशेष दिशा निर्देश, अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड से संबंध मोबाइल नंबर को लेकर आवें, यानी कि आप जिस आधार कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी में वहाँ पर एक OTP आएगा, वो लेकर के जाना है। वेतन बता तथा दूसरी अन्य सुविधाओं के लिए उन्हें दिक्कत ना हो। राजस्थान सरकार के अनुसार मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। 18 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी को माता पिता को द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आपको ले जाना है, ये सारा ले जाना है लिख के। महत्वपूर्ण निर्देश हैं, बढ़ती एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, ये अपने साथ पर्याप्त मात्रा में खाने और पीने का सामान लेकर आए, यानी कि आपको यहाँ पर खाने पीने की सुविधा नहीं दी जाएगी, ये सारा ले जाना है। दोस्तों आपको मोबाइल वगैरह ब्लूटूथ वगैरह चीज़ें नहीं ले जानी है जब एग्ज़ाम होगा वहाँ पर। यदि आपको कोई भी डाउट होती है तो आप इस नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और आपको जो फॉर्म भरना है वो यहाँ पर जा करके फॉर्म भरना है, वेबसाइट का नाम ये है। और ये दोस्तों जारी हुआ है कोटा से 17 जुलाई 2020 को कल ही। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आपको जो मैंने बताया था वेबसाइट oldatseat.in, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा oldatseat.in। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, वेबसाइट का नाम है oldatseat.in और फिर डॉट लगाना है, फिर इन लगाना है। और यहाँ पर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट आपको सारे लिंक मिल जाएगी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप फटाफट से अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहाँ से देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।